हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ढेर सारी सब्जी मार्केट से खरीद कर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि इतनी सारी सब्जी को हम बिना फ्रिज के कैसे स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों फ्रिज में तो बहुत सारी सब्जी आ जाती है, लेकिन कभी कभी हम ज़्यादा सब्जी एक साथ ले लेते हैं ना, तो वो भी फ्रिज में नहीं आती। तो आज का मेरा ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, इसे एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम सारी सब्जियों को पैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, या फिर कभी कभी लाइट आती जाती रहती है, या फिर कभी हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है और हम बहुत ज़्यादा सब्जियां खरीद लाते हैं और फ्रिज में रखने के लिए स्पेस नहीं होता, तब भी ये वीडियो हमारे लिए बहुत काम का है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो मोस्टली लोगों के लिए काम का है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। इतना ज़बरदस्त तरीका आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा और आपको इससे ज़्यादा अच्छी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों मैंने सारी सब्जी बाहर निकाल ली है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम बिना फ्रिज के भी काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। प्याज और आलू को हम महीने भर तक भी स्टोर करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अरबी और अदरक को हम 7 से 8 दिन तक तो बाहर रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी ख़राब होने लगती हैं। तो चलिए अपनी ट्रिक शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले ले लिया है एक टाट का बोरा। तो इसे मैंने पूरा अच्छी तरह से गीला कर लिया है और गीला करके अच्छी तरह निचोड़ लिया है। दोस्तों ये टाट का बोरा आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा आपके ही यहाँ सब्जी वाले की दुकान पर। तो थोड़ी सी सब्जी को हम कट करके अलग निकाल लेते हैं, और ये सब्जी हम अलग इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सेम टाइम में सेम तरीके से इस सब्जी को मैं आपको रख कर दिखाऊँगी कि जब हम इसे अपने स्ट्रिक के साथ स्टोर करते हैं तो इसमें, और नॉर्मल तरीके से अगर हम इसे इसी तरह रख देते हैं तो उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है, जिससे आपको ये क्लियर पता चल सके कि ये ट्रिक कितनी काम की है। तो सारी ही सब्जियों में से मैं थोड़ी थोड़ी सब्जी को निकाल लेती हूँ और बाकी सारी सब्जियों को मैं अपने इस बोरे पर अच्छी तरह से रख देती हूँ। तो दोस्तों सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, इन्हें अगर हम बर्बाद कर इस तरह ख़राब करके फेंकेंगे ना तो ये सही तरीका नहीं है। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और इस ट्रिक को जानिए। मेरी इस ट्रिक से जब आप इन सब्जियों को स्टोर करेंगे दोस्तों, तो इन्हें आप 24 घंटे से ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं और आप देखेंगे कि ये सब्जियां इसी तरह से फ्रेश और एकदम हरी भरी रहेंगी और कड़क रहेंगी, बिल्कुल वैसी जैसी आप मार्केट से लेकर आते हैं। तो बहुत यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों। मैंने सारी सब्जियां निकाल कर किचन काउंटर पर रख दी हैं और अच्छी तरह से आप देख लीजिए, मैंने एक बोरा ले लिया है, इसको भी मैंने गीला कर लिया है और अच्छी तरह से इसे निचोड़ लिया है, मतलब इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ये गीला रहना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस बोरे से हम इन सारी सब्जियों को ढक देंगे। वैसे ये कोई नई ट्रिक नहीं है, ये बहुत पुरानी ट्रिक है, लेकिन आजकल के लोग इसे नहीं जानते हैं, ये सालों से यूज़ होती आ रही है। और इसे हम इसी तरह से ढक देंगे, जब भी हमारा बोरा गीला रहेगा तब तक हमारी सब्जियां इसमें फ्रेश रहेंगी। दोस्तों जब हम अपनी सब्जियों को फ्रिज में स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश तो रहती हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत फ़र्क आ जाता है। आपने महसूस किया होगा टेस्ट में वो नेचुरलिटी नहीं रहती है। तो इस तरीके से अपनी सब्जियों को स्टोर कीजिए और फ्रिज से ज़्यादा फ्रेश और ताज़ी सब्जियां पाइए। तो आइए मैं दिखाती हूँ कि जो सब्जियां मैंने बचाई थी वो मैंने इस तरह से किचन काउंटर पर रखकर छोड़ दी हैं। आप देख सकते हैं दोनों तरह की सब्जियां हमारी पास रखी हुई हैं, और आपको मैं दिखाऊँगी कि दोनों में कितना डिफरेंस आएगा सेम टाइम में। तो ये देखिए दोस्तों, 6 घंटे हो चुके हैं और आपको मैं सब्जियाँ खोल कर दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी सब्जियाँ वैसी की वैसी ही फ्रेश हैं जैसी कि हम बाज़ार से लेकर आए थे। तो बहुत यूज़फुल ट्रिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं सारी ही सब्जियां बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम अभी की अभी मार्केट से लेके आए हैं। तो आप देख लीजिए, आपको मैं पास से थोड़ी सब्जियों को उठाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हरी मिर्ची जो बहुत जल्दी मुरझा जाती है कितनी फ्रेश रखी है। ऐसे ही आप ये पालक के पत्ते देख सकते हैं, एकदम फ्रेश रखे हैं जो बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं, एकदम बेकार हो जाते हैं। हरी सब्जियों को तो बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं कि धनिए भी हमारे एकदम ताज़े रखे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हम इसको फिर से ढक देंगे, और जितने लंबे टाइम तक हमें इन सब्जियों को स्टोर करना है इसी तरह से हम इनको ढक कर रखेंगे, और बीच बीच में अगर हमारा ये बोरा सूखने लगे तो इसके ऊपर पानी का छिड़काव कर देंगे। और आप देखिए, ये हमारी वो सब्जियाँ हैं जिन्हें हमने किचन काउंटर पर ऐसे ही छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ कितनी मुरझा गई हैं और काली भी पड़ गई हैं, हरी सब्जियां तो बिल्कुल बेजान हो गई हैं। आप समझ सकते हैं कि 6 घंटे में इनका ये हाल है तो 24 घंटे में क्या होगा। और 24 घंटे हो चुके हैं दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि सब्जियां किस कंडीशन में आ चुकी हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि सब्जियाँ बिल्कुल फ्रेश रखी हुई हैं, जैसी हमने रखी थी बिल्कुल वैसी ही, उतनी ही फ्रेश और उतनी ही ताज़ा। तो आप देख सकते हैं कि ये पालक के पत्ते कितने कड़क हैं, मैंने तोड़कर आपको दिखाए, आप तोड़ने के तरीके से ही समझ सकते हैं कि पालक कितना फ्रेश रखा हुआ है
और आप देख लीजिए हर सब्जी को, एक एक सब्जी आप उठाकर देख लीजिए, हर सब्जी आपको उतनी ही फ्रेश लग रही होगी जितनी सब्जी हमने इनको रखा था। तो ये देखिए दोस्तों धनिए है ना कमाल की ट्रिक। और वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों, मैं आपको इसमें एक देसी फ्रिज का तरीका भी बताऊंगी, जिस तरीके से सालों से हमारे गाँव के लोग सब्जियों को स्टोर करते रहे हैं। तो फिर से हम इसे ढक देते हैं और पानी का छिड़काव कर देते हैं, और इस तरह से करते रहेंगे ना दोस्तों तो काफ़ी लंबे टाइम तक इस सब्जियों को स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी वो सब्जियां हैं जो हमने किचन काउंटर पर रखकर छोड़ दी थी। किस तरह से पालक मुरझा गई है, अरबी के पत्ते मुरझा गए हैं और धनिया भी एकदम काले पड़ गए हैं और मुरझा गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपना देसी फ्रिज क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों ये मैंने एक मटकी ले ली, इसे पूरा पानी से गीला कर लिया है और अब इस मटकी के अंदर हम अपनी सारी सब्जियों को रख देंगे। दोस्तों यही है वो देसी फ्रिज जिसमें हम अपनी सब्जियां स्टोर करेंगे, और ये ट्रिक भी कोई नया नहीं है, ये सालों से हमारे गांव के लोग यूज़ करते आ रहे हैं। जब हमारे यहाँ फ्रिज नहीं होते थे तब लोग इस तरह से सब्जियां स्टोर किया करते थे, या जिनके पास फ्रिज नहीं है वो स्टोर किया करते थे। तो आप देखेंगे कितने आश्चर्यजनक तरीके से इसमें सब्जियाँ एकदम फ्रेश रहेंगी। सेम वही बोरा लेकर हम इस पर गीला करके इसके ऊपर चारों तरफ से इसे ढक देते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें सब्जियां कितनी अच्छी तरह से फ्रेश रहती हैं। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसे इसी तरह से मैं छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे इन सब्जियों को ये कैसी हैं, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अगर आपका बोरा सूख रहा है तो बार बार इसके ऊपर इसी तरह पानी डालते रहिए। तो आइए देख लेते हैं कि 12 घंटे हमारी सब्जियों को रखे हुए हो गए हैं और ये कैसी हैं। तो आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगी कि इस तरह से तो हमने कभी सब्जियां स्टोर की ही नहीं। तो इसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी कि ये इतनी फ्रेश क्यों हैं। आप देखिए कितनी ज़्यादा फ्रेश हमारी सब्जियां रखी हुई हैं। आप कोई भी सब्जी उठाकर देख लीजिए, सारी सब्जियां एक से बढ़कर एक फ्रेश हैं। तो इसके इतने फ्रेश रहने का कारण ये है दोस्तों कि ये जो मटका होता है ना इसमें एयर पास होती है बहुत अच्छी तरह से, बोरे और मटके की वजह से इसमें फ्रेशनेस बनी रहती है, इसलिए ये सब्जियां सारी फ्रेश रहती हैं। एक एक करके सारी सब्जियां निकाल कर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्रेश सब्जियां हमारी हैं। जो टाट का बोरा है ना दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपने देखा होगा कि अक्सर बर्फ़ का यूज़ करने वाले लोग बर्फ़ भी इसके अंदर छुपा कर रखते हैं। इससे ढककर रखने से बर्फ़ भी बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती, तो ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। और आप देख रहे हैं कि सारी सब्जियां कितनी ज़्यादा फ्रेश हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस को ये ट्रिक पहले से पता थी, और जिसको नहीं पता थी उसे ये ट्रिक कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। और इसी तरह के बहुत सारे ट्रिकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। एक मैंने अपने चैनल पर वो वीडियो भी डाला है जिसमें आप अपनी मुरझाई हुई सब्जियों को फिर से कैसे फ्रेश कर सकते हैं, का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देख रहे हैं ना दोस्तों सब्जियां कितनी ज़्यादा फ्रेश हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन YouTube, लाइक नवरत्न रसोई ऑन Facebook एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन Instagram एंड Twitter।